students, how are you? I hope you all are well. Students, are you excited to listen the name of those students who did very well in the PT exam? So, clap for Sukhman, Vagisha and Soham. They did very well in the PT exam. And today we will start the revision of our chapter, I'm Not Scared Anymore. Shall we start? So students, open page number 90. What's the name of chapter? I'm Not Scared Anymore. Students, this is the story of a boy Amit. ये किसकी story है? एक boy Amit की. वो एक smart boy था. He was good at his schoolwork. वो अपने schoolwork में भी अच्छा था. Sports में भी बहुत अच्छा था. मतलब वो एक all over good talented boy था. But उसके अंदर एक weakness थी. वो क्या थी? कि उसको darkness से डर लगता था. Amit was afraid of the dark. वो darkness से डरता था. पर वो क्यों डरता था ये रीज़न उसे भी नहीं पता था. Amit couldn't really explain why he was afraid of the dark. लेकिन एक दिन क्या होता है, वन डे स्कूल के जो टीचर होते हैं वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि वी आर ऑल गोइंग ऑन अ कैंपिंग ट्रिप, कि हम कैंपिंग ट्रिप पे जा रहे हैं 2 days और 1 night के लिए. ये तो बहुत एडवेंचर की बात थी, सभी बॉयज़ बहुत थ्रिल्ड थे इस आइडिया से. लेकिन Amit को अंदर से थोड़ा सा डर लग रहा था. अब किस चीज़ का डर लग रहा था? उसे इस चीज़ का डर लग रहा था कि वो नाइट में अकेला हो जाएगा. बट वन डे ऑफ द ट्रिप फादर एंड मदर केम टू सी Amit ऑफ एट स्कूल. ही फॉरगेट ऑल हिज वरीज फॉर अ वाइल एज ही गॉट इन टू द बस विद हिज फ्रेंड्स. जब उसके फादर और मदर उसको सी ऑफ करने आए, वो अपनी सारी वरीज भूल गया अपने फ्रेंड्स को देखकर. फन करते रहे वो, सिंगिंग, लाफिंग. लेकिन जैसे इवनिंग शुरू हुई, दे फाइनली रीच देयर कैंपिंग स्पॉट. वो अपने कैंपिंग स्पॉट पर पहुँच गए. वो एक ग्रीन वैली थी, स्मॉल टेंट से कवर थी. अब आगे क्या होने वाला था जब नाइट में वो अकेले होंगे? सी, Amit felt scared when he saw the tents. जैसे उसने टेंट को देखा उसको डर लगने लगा. और जब उसे पता चला he was sharing his tent with विजय सिंह, कि वो अपना जो टेंट है वो विजय सिंह के साथ शेयर कर रहा है जो कि क्लास का टफेस्ट बॉय था, तो Amit थोड़ा सा खुश हो गया. चलो अब तो टेंशन ख़त्म हो गई, वो तो स्ट्रॉन्ग बॉय है. लेकिन जैसे ही वो सोने लगे, स्लीपिंग बैग के अंदर पहुँचे, तो क्या हुआ? Amit को डर लगना शुरू हुआ और उसने एक नॉइज सुनाई दी उसको चारों ओर. ही वॉज स्टार्टिंग टू शेक, हिलना शुरू हुआ और उसको लिप की आवाज़ आई, जैसे टीथ स्टैटरिंग करते हैं ना वैसी. Amit, Amit, विजय's वॉइस वॉज लो एज ही कॉल्ड आउट. विजय की वॉइस बहुत धीरे धीरे आ रही थी जब उसे बुला रहा था. इट इज़ सो डार्क एंड आई एम सो अफ्रेड. यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है. कैन यू हीयर दैट नॉइज़? कि तुम्हें कोई नॉइज़ सुनाई दे रही है? आई थिंक देयर इज समवन आउटसाइड आर टेंट. हमारे टेंट के बाहर कोई है. हिज वॉइस वॉज नाउ ऑलमोस्ट अ विस्पर. अब उसकी वॉइस बहुत धीरे धीरे हो गई. Amit ने अपने फ्रेंड के वर्ड सुने, वो तो शॉक्ड हो गया क्योंकि वो तो ये सोचता था कि विजय तो एक टफेस्ट बॉय है. लेकिन अब उस सिचुएशन में उसे विजय को तो हैंडल करना ही था, तो उसने उसके हाथ में हाथ रखा, उसे समझाया कि चलो हम देखते हैं कि क्या है. उसने टॉर्च से बाहर देखा और ये बताया कि ये तो आउल की आवाज़ है. विजय ने स्माइल किया, लेकिन तभी उसकी टीयर्स आने लगी. Amit आही आस स्लोली. उसने Amit से पूछा, क्या तुम किसी को बताओगे ये जो हुआ था? Amit ने क्या कहा? डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल नहीं बताऊंगा. ओ थैंक यू, विजय ने कहा. आई कांट बियर एनीवन टीजिंग मी. मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझे टीज करे. एंड लाफिंग एट मी, और मुझ पर हंसे. डू यू थिंक दैट आई एम अ वेरी फुलिश एंड कावर्ड? क्या तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख और कायर हूँ? कंटिन्यूड विजय सैडली. विजय ने बड़े दुख से कंटिन्यू किया. नो आई डोंट, सैड Amit. Amit ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता. आई यूज टू नो समबडी जस्ट लाइक यू. मैं जानता हूँ कि कोई तुम्हारे जैसा हो सकता है. क्योंकि Amit को पता है कि वो तो खुद ही ऐसा था, उसे भी अंधेरे से डर लगता था. बट इट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो. लेकिन ये तो पहले की बात है. सैड Amit विद अ लिटिल सीक्रेट स्माइल इन द डार्क. उसने अंधेरे में एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, क्योंकि अब Amit को अंधेरे से डर नहीं लगता था. बेटा मैनी पीपल आर स्केर्ड ऑफ द डार्क. बहुत लोग होते हैं जिनको अंधेरे से डर लगता है. बट देयर आर सम वंडरफुल थिंग्स दैट कैन हैपन ओनली वेन इट इज़ डार्क.
लेकिन कुछ ऐसी वंडरफुल थिंग्स होती हैं वो तभी होती हैं जब अंधेरा होता है. कैन यू थिंक ऑफ सम ब्यूटीफुल एक्साइटिंग थिंग्स? क्या आप सोच सकते हो ऐसी ब्यूटीफुल एंड एक्साइटिंग थिंग्स दैट यू कैन सी ओनली इन द डार्क, जो सिर्फ डार्कनेस में दिखती हैं? सोचो, क्योंकि जैसे स्टार्स हैं वो सिर्फ डार्क में दिखेंगे आपको. हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर? सैंथनी गोविंदन इज एन अवार्ड विनिंग ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंग्लिश. शी हैज़ रिटन ओवर 30 बुक्स इंक्लूडिंग पोइट्री, पिक्चर बुक्स एंड शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रंस ऑफ ऑल एजेस. सभी एजेस के लोगों के लिए इन्होंने पोइट्री लिखी है, पिक्चर्स बुक लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज लिखी है. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव इंजॉयड द चैप्टर एंड अंडरस्टूड अबाउट द स्टोरी. नाउ वी आर डूइंग रिविजन ऑफ दिस. हम इसकी रिविजन कर रहे हैं. आज हमने इसकी रीडिंग पार्ट को कर लिया है. नेक्स्ट हम करेंगे बुक वर्क, देन नोटबुक वर्क, एंड आफ्टर दैट मैम विल टेक योर टेस्ट. ओके बेटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.